हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह के कितने बज रहे हैं, सुबह नहीं दोपहर होने वाला है, 11:30 होने वाला ही है। और अभी जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ पूजा करके, आज मेरा व्रत है तो अभी पूजा करके आई हूँ। और घर पे भी मंदिर जहाँ पूजा मैं करती हूँ वहाँ सफाई की, थोड़ा सा धूल ज़्यादा हो गया था तो वो सफाई की, और अभी नीचे जिस पे सामान रखती हूँ वो करना है तो बाद में कर लूँगी थोड़ा सा रुक करके। और घर का सारा काम तो हो गया है ख़त्म, और सूरज कल गया था तो वो भी पहुंच गया है, सुबह कॉल किया था। और खाना भी बना दी, मैं खाना में बनाई सुबह आलू और परवल की भुंजिया और रोटी बनाई हूँ। अभी राधिका ट्यूशन से आई है तो वो खा रही है। और मुझे ना बहुत तेज़ प्यास लगा हुआ है, इतनी तगड़ी वाली धूप निकली है यहाँ कि एकदम हालत ख़राब हो रहा है धूप के कारण। तो अभी मैं दीपिका से बोल करके नीचे, दीदी के यहाँ मेरे यहाँ तो फ्रिज है नहीं तो उनके फ्रिज में पानी रखवाई हूँ ताकि पानी थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाए, क्योंकि ये थर्मस में जो पानी रखे हुए ना एकदम गर्म हो रहा है, अगर उसमें चाय पत्ती और चीनी डाल दे तो चाय बन जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है पानी। तो अभी थोड़ा पानी ठंडा हो जाएगा, उसको मैं शरबत बना करके पीऊँगी तो थोड़ा राहत मिलेगा। उसके बाद जो भी काम है, अभी मैं मशीन लगाने जा रही हूँ कपड़े के लिए। सब लोग नहा रही हैं, दीपिका तू नहा ली? दिव्यांशु नहा लिया, राधिका नहा ली है, अब बस दीपिका रह गई है। तब तक मैं जा रही हूँ कपड़ा लगा देने ताकि धुल जाए, ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हैं। अभी डेली बच्चे नहा रहे हैं, दो दो बार बदल दे रहे हैं तो कपड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। और किचन तो पूरा क्लीन है, और चाय नहीं पीऊँगी आज, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का, बस ये लग रहा है कि ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो एकदम भर पेट पीऊँ, इतना ज़्यादा प्यास लगा हुआ तगड़ी वाली। और देखिए किचन पूरा क्लीन है, इसमें है रात का चावल जिसमें कि मैं पानी डाल करके रखी हूँ, बच्चों को पानी वाला चावल पसंद है तो ये लोग खाएंगे, अभी नहीं दोपहर तक खा लेंगे। और उसके बाद मुझे करना है सिलाई का काम, दो सूट आया है बनाने के लिए, वो कटिंग वगैरह करूँगी। तो इसी तरीके से काम चल रहा है, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा वीडियो को, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, थोड़े दाल हैं जो वो पता नहीं कैसे, मतलब जब बनाती हूँ ना तो अच्छे से गलते नहीं है, जितना गलना चाहिए उस तरीके से नहीं गल पाता है। तो मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा सा उसको धूप दिखा दूँगी तो कहीं गलने लगेंगे, वैसे तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर फिर भी मेरा मन का जो वहम है वो हट जाएगा। तो वही दाल को मैं डब्बे से थाली में निकाल करके और बालकनी में ही रख दूँगी, बालकनी में अच्छा खासा धूप आते रहता है तो थोड़े सूख जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, या जो भी नमी थोड़ा सा भी रहा हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चीनी का शरबत, और पानी ठंडा हो गया था नीचे फ्रिज में, मैं रखवाई थी दीदी का फ्रिज में तो वही ठंडा हो गया, और अभी शरबत बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़ोर से प्यास लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और ऐसी गर्मी में तो व्रत रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ जो व्रत रखते हैं उसमें तो जो व्रत वाले नमक होते हैं वो भी नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा और कठिन हो जाता है। और अभी मैं सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम पर, वही है सारा दिन व्रत था फिर भी सिलाई मशीन का काम की, घर का काम की, जो भी जो किचन और बर्तन का जो काम होता है उसके बाद भी काफ़ी सारा काम होता है। और सिलाई सेंटर भी मैं गई थी और फिर मार्केट भी गई, थोड़ा बहुत सिलाई का सामान लाना था, लेस और इलास्टिक जो जैसे पजामी में रबड़ वगैरह लगाते हैं ना वो लाई, और थोड़े से भी कुछ सामान लाई, तो यही सब के लिए मैं गई थी। और धूप इतना तगड़ी वाली है कि दोपहर के टाइम पर मार्केट जाइए तो ऐसा लगता है कि जल भून जाए इंसान। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं लगी हूँ कमरे को समेटने में, और इस टाइम ना 4, 4:30 या 3 बजे तक मेरा जो रूम है ऐसे ही दिखेगा, पूरा बिखरा हुआ, क्योंकि जो भी जैसे भी मुझे सामान की ज़रूरत पड़ती है मैं निकालते जाती हूँ, सामान जो है वो फैला दे जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना मुझे बस सेट करने का भूत सवार नहीं होता है, बस इस तरीके से होता है कि जो मेरा काम है वो हो जाए, बाकी मैं बाद में शाम के टाइम में या रात के टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेट कर दूँगी। तो वही अभी इस टाइम मैं सारा कमरा जो है वो सेट करूँगी, और उसके बाद बिस्तर लगाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं तो अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए।
जल्दी जल्दी सामान सेट करके और झाड़ू लगाई, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो जाता है तो शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाया जाता है घर में, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सेट की और जितना हो सकता सा सामान हो सकता था सामान को मैं समेट दी। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो अजीब जैसे ही हरकत हो जाती है, तो इग्नोर दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो वही मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरे घर में। दाल में सूखने के लिए रखी थी बालकनी में, शाम हो चुके हैं तो इन दालों को भी फिर से वापस उसी डब्बे में मैं भर देती हूँ। साफ करने की ज़रूरत नहीं है डब्बों को, क्योंकि हाल ही में मैं किचन की क्लीनिंग की थी। और दिव्यांशु की हरकत मुझे अब दिखी है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब, तो कैसे कैसे नौटंकी कर रहा है देखिए। तो डब्बों को भरूँगी किचन में और उसके बाद किचन में ही थोड़े से बर्तन है साफ़ करने के लिए, वो साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। यही सब काम जो है वो चलते रहता है, चाहे जो भी हो काम कभी नहीं ख़त्म होता है। तो वही सब काम जो है वो मैं अपना समेटने में लगी हूँ। और सब काम जब सही से हो जाता है तो मन को भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा हो, तसल्ली मिलती है सारा काम टाइम पे ख़त्म होने के बाद। बर्तन धुलने के बाद वही चाय वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ आज का जो वीडियो है यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी एक और अच्छे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा।